नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने अपनी नई टैगलाइन राम राज्य बनेगी हमारी पहचान मोदी जी की गारंटी का परिणाम जारी की है। सरकार ने यह टैगलाइन अपना एक महीने का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए दी है। सरकार ने पिछले एक महीने के कामकाज के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में पिछले एक माह के प्रयास से विश्वास दोगुना हुआ है। एक महीने के अपने कामों को गिनाते हुए सरकार ने बताया कि लाउडस्पीकर और डीजे का अनियंत्रित प्रयोग कर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही खुले में मांस मछली की बिक्री पर रोक लगाई गई है। वहीं हुकुमचंद मील के 4,800 श्रमिक परिवारों को 224 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान किया गया है और तेंदू पत्ता संग्राहकों का मानदेय 3,000 रुपए प्रति बोरा से बढ़ाकर 4,000 रुपए किया गया है। इसके साथ ही 35 लाख तेंदू पत्ता संग्राहकों को लगभग 165 करोड़ रुपए का लाभ दिया गया है। सरकार ने बताया कि पिछले एक महीने के दौरान यातायात सुगमता के लिए भोपाल में BRTS हटाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के विस्तार के लिए 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी भी दी गई है। वहीं नागरिकों की सुविधा के लिए प्रदेश में संभाग, जिले, तहसील एवं पुलिस थानों की सीमाओं के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू की गई है और 1,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को पदोन्नति भी दी गई है। इसके अलावा उज्जैन, इंदौर और धार जिले में जहां जहां भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं वहां तीर्थ स्थलों का विकास किया जाएगा और प्रदेश में श्री राम वन पथ गमन के विकास की कार्य योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का भी फैसला लिया गया है। इसके साथ ही बताया गया कि प्रदेश के हर जिले में एक शासकीय महाविद्यालय को PM उत्कृष्टता महाविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। सरकार ने एक महीने के काम में इंदौर के एलिवेटेड रोड को भी गिनाया है, जिसमें बताया गया कि इंदौर में करीब 350 करोड़ रुपए की लागत से 6.67 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ग्रीन बॉन्ड जारी कर जुटाए गए 308 करोड़ की राशि से खरगोन जिले के जलूद गाँव में ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के बारे में भी बताया। स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में इंदौर को लगातार 7वीं बार देश के स्वच्छता शहर के अवार्ड और भोपाल को देश की स्वच्छतम राजधानी की उपलब्धि को भी गिनाया गया।